हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट कंटिन्यू टॉपिक थ्री क्वेश्चंस एंड क्लास इज सेवन्थ। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया लाइक किंग जो होता है, राजा जो होता है, उसके थ्री क्वेश्चंस होते हैं। वो पूछने के लिए एक सन्यासी या एक साधु के पास जाता है, जिसका जिसको बोल सकते हैं जो जंगल में रहता है। और फिर उसके आगे जो घटना घटी या जो वो सब इंसिडेंट हुआ, वो हम सब लोगों ने डिस्कस किया था। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें हमारे को देखने को मिली है, कौन कौन सी चीज़ें थी हमने देखी। ओके, तो उसमें हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक पर्सन जो कि लाइक घायल कंडीशन के अंदर या बोल सकते हैं इंजर्ड कंडीशन के अंदर उन दोनों के पास भाग के आता है और उसके उसका बोल सकते हैं लाइफ सेव करते हैं या लाइफ को जो बोलते हैं बचाते हैं वो। और वही वो आगे जो है सेंटेंस रिपीट कर रहा होता है या बोलते हैं सेंटेंस अपने जो है बोल रहा होता है, और उसको कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे चलते हैं कि लाइक उसने कौन कौन सा सेंटेंस या क्या क्या चीज़ें जो स्टेटमेंट दिया था जब राजा राजा को देखता है वो, और या फिर बोल सकते हैं राजा का जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुलती है, नेक्स्ट डे उसकी आँख खुलती है तब। When I heard that you were coming meet hermit in Discinius, if I follow you that I could kill you, your man however caught and wounded me. How can I thank you for saving my life? If you hadn't dressed, would I looked after me, I would bleed to death. From this day onward will serve you, your most faithful slave will ask sons to support. Forgive me. मतलब सारी चीज़ें हो जाती है, बोलते हैं उसको सब कुछ सब चीज़ बता देता है कि लाइक फर्स्ट थिंग की ये कि मैंने कसम खाई थी कि यह नाम है कि जिसने मेरे भाई को मारा है, या फिर बोल सकते हैं बैटल के अंदर जिसने मेरे जिस राजा ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसको मार के या बोल सकते हैं उसको किल करके क्या करूँगा, पूरा कंप्लीट करूँगा जो मेरी शपथ है, मेरी जो कसम जो खाई है वो। उसके बाद क्या बोलता है कि लाइक जब मैंने सुना कि आप ना सन्यासी हरमित से मिलने आ रहे हो, हरमित से, तो उसने क्या डिसाइड किया कि क्या नाम है कि मैं जाऊंगा और उसे क्या करूंगा, जाके मार दूंगा राजा को या उसने किंग को मार दूंगा। फिर नेक्स्ट जो उसने बताया कि लाइक राजा को बताते हुए क्या बोलता है कि तुमने हमें लाइफ सेव की है या लाइफ मेरी जो है बचाई है, या इसलिए मैं जो है आपको जो है स्लेव या गुलाम बन के रहूँगा, और मैं अपने बेटे से भी रिक्वेस्ट करूँगा या बोल सकते हैं बेटे से भी चाहूँगा कि वो भी क्या करेगा आपका गुलाम बन के, या बोल सकते हैं आपकी हेल्प करे या बोल सकते हैं आपको प्रोटेक्ट करे। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया कि लाइक जो मारने के लिए एनिमी आया था उस राजा को, तो वो एनिमी ही उसको क्या करता, सपोर्ट करता है या बोल सकते हैं उसके फेवर में हो जाता है और एक तरह से गुलाम बनने की बात कहता है। ये सब चीज़ें कब होती है, जब राजा उसको क्या करता है प्रोटेक्ट कर लेता है या राजा उसको सेफ करता है, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें उसके सामने आती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अ लिटिल लेटर द किंग वेंट आउट द सी द हर्मिट अगेन, आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, कैन यू गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब ये सारी इंसिडेंट होने के बाद, ये स्टेटमेंट होने के बाद में जो एनिमी ने सब कुछ बोल दिया, उसके बाद में राजा तो अपने जो उसका गोल था या उसका जो मोटो था उसके ऊपर वापस क्या करता, फॉलो करने के लिए चल देता। मतलब कहना मीन्स वो हर्मिट से वापस क्वेश्चन पूछने चले जाता है। तो इतना होने के बाद क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछने जाता है और हर्मिट को बोलता है कि मैं आपसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है तो बता दो। मतलब कहने में से लाइक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होना या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने के बाद में वो क्या बोलते हैं हर्मिट के पास आता है और उससे बोलता है कि आप जो है मेरे थ्री क्वेश्चन के जवाब दे दो जो आपके पास लास्ट आंसर है, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, डू यू स्टिल नीड द आंसर फ्रॉम मी इन वर्ड्स, वैन यू केम टू सी मी यू सॉ मी वर्किंग एंड वैन यू सॉ द आई वॉज टायर्ड you decided to help me, if you hadn't decided to stay and help you would have been killed by your enemy on your way back. I would say that most important action was helping me, the most important person was person whom you were helping me first and wounded man later. ab uske baad mein kya bola gaya ki वो हर्मिट जो मतलब सन्यासी है, वो जो साधु है, वो राजा को क्या जवाब देता है जब उसने बोला कि लास्ट आंसर या लास्ट बार मैं पूछ रहा हूँ, तो राजा को क्या जवाब देता है कि अभी भी तुम्हें वर्ड्स चाहिए, मेरे शब्दों में जवाब चाहिए कि क्या इसका आंसर क्या होगा। तो अब वो समझाते हुए उसे क्या बोलता है वो हर्मिट राजा को, किंग को क्या बोलता है कि जब तुम आए मेरे पास या मेरी कुटिया पे आए या हट पे आए, तो तुमने क्या देखा कि मैं क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ठीक है, और काम कर रहा था तो उसके बाद में तुमने महसूस क्या हुआ कि लाइक जैसे तुमने मुझे देखा तो तुम्हें क्या महसूस हुआ कि मैं थक चुका हूँ या फिर बोल सकता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं बैडली टायर्ड, तो तुमने क्या करी, मेरी हेल्प करी, ठीक है।
अगर तुम वो हेल्प मेरी नहीं करते तो क्या होता, तुम तुरंत वापस लौट जाते या बोल सकते अपने किंगडम या जहाँ पे जहाँ से आए वहाँ चले जाते, और जाते टाइम वो जो एनिमी जिसकी तुमने रक्षा करी या बोल सकते हैं जिसकी लाइफ बचाई या सेव करी, वो क्या होता, तुम्हें मार डालता। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हुआ, तो हरमीत क्या कहना चाह रहा था इस सब चीज़ों को लेके, कि फर्स्ट एंड फॉल पहला क्वेश्चन था उसका कि लाइक कि जो बोल सकते ना कि राजा राजा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसका आंसर उसने क्या दिया इस तरीके से कि I would say that the most important action, कि मतलब most important action या सबसे important action क्या था, कि first उसने question पूछा था ना कि like कौन सा important action है जो मुझे करना चाहिए या first and fall कौन सा चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो उसने कहा वाला important action क्या था, तुमने मेरी help करी, ये सबसे important action था। ठीक है, फिर second कि was someone the who helped worth the helping, अब उसके बाद second उसका question था कि like वो कैसे और मतलब किस पर्सन की हेल्प करे, तो वो क्या हुआ कि लाइक उसने हेल्प करी, तो फर्स्ट एक्शन तो ये हो गया, और किसकी हेल्प करी, जिसको उसको जरूरत थी या बोल सकते हैं जिसकी नीड थी, तो उसकी हेल्प करी उसने। उसके बाद फिर उसने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या हुआ कि लाइक जो राइट टाइम पे राइट एक्शन जो है तुमने किया और उसी के बेसिस पे तुम्हारी लाइफ बच गई, नहीं तो क्या होते उस एनिमी की जगह घायल कौन होता, राजा होता या बोल सकते तुम होते। इतना सब कह के वो अपनी बात कंटिन्यू करता, हरमीत या जो सन्यासी होता है कंटिन्यू वो जो स्टेटमेंट देता है वो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए वो क्या आगे क्या बोलता है, इफ दैट मैन हैड डाइड ही वुड हैव मेड पीस विथ यू। ठीक है, मतलब अगर वो आदमी मर जाता है, मतलब मर जाता है मतलब कि जिसको तुमने सेव किया या जिसको प्रोटेक्शन दिया या वह बोल सकते हैं जिसकी लाइफ तुमने बचाई, अगर वो मरता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेड पीस विथ यू, कि वो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पीस मतलब शांति या एक तरह से बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का होगा। Therefore, the most important time, it always now, the most important person is the one who needs your help. The most important action is to be comfort the person who needs help. अब इसमें थ्री क्वेश्चन जो पूछे थे राजा ने उन तीनों के ही आंसर या थ्री क्वेश्चन के आंसर में है। पहला चीज कि इसने पूछा Therefore, the most important time कौन सा था, now, मतलब अभी वाला मतलब जो उसने किया कि लाइक सेफ करना, सेफ करने के साथ साथ में उससे जो साधु था या हरमीत जो था उसकी हेल्प करना, ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था। इसमें पूछा नेक्स्ट कि इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा था, तो हु नीड्स द योर हेल्प, जिसको तुम्हारी ज़रूरत है, मतलब कहने का मीन्स ये कि पहली चीज़ टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट था जिस टाइम पे उसे सही काम करना चाहिए था। फिर सेकंड उसने पूछा कि पर्सन कौन सा चाहिए था या कौन सा ऐसा पर्सन होना व्यक्ति होना चाहिए जिसकी हेल्प करनी होगी, तो वो जिसको नीड्स है जिसको ज़रूरत हो। फिर एक्शन की बात हुई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कौन सा है जिसमें तुम कंफर्ट फील करो या फिर बोल सकते हैं तुम सबसे ज़्यादा क्या होता है अच्छा फील करो, वो सबसे बढ़िया एक्शन होगा, जिसको बोल सकते हैं हम लोग हमारा कर्मा, जिसको बोलते हैं, तो कौन सा कर्म या कर्म अच्छा होता है जो कि हमारा जिसमें ज़्यादा कम्फर्ट फील करें या जो बहुत अच्छा है या एक तरह गुड हो। ये हमारा चैप्टर था, आज फिनिश होता है, एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं एक तरह से, या बोलते हैं शॉर्ट वे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी। तो थ्री क्वेश्चंस आए थे स्टार्टिंग में, एक राजा जिसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, फिर उसने काउंसलिंग रखी और वाइस में की जितने भी थे उनकी मीटिंग्स रखी, उन्होंने सब ने अलग अलग थ्री क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर दिए कि लाइक पहली फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका कि लाइक मेरे को पहले सबसे पहले कि कौन सा टाइम ऐसा हो कि जिसमें मुझे अपनी थिंग्स करनी चाहिए या सही टाइम कौन सा है। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो क्या था कि लाइक ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन था वो क्या था कि लाइक ऐसा कौन सा एक्शन है, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना चाहिए या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट एंड फॉल कौन सा काम जो उसको इम्पोर्टेंट लगे कि वो करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और क्वेश्चन के बेस पूरा चैप्टर था जिसमें वो साधु के पास जाता है और उसे क्वेश्चन पुटअप करता है और उसके जवाब जो है उसे वैसे ही मिलते हैं जैसे उसने पूछे थे और उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड और बोलते हैं एग्री होता है और एग्री होने के बाद वो जो उसके क्वेश्चंस के थे और आंसर उसे मिल जाते हैं और लाइफ में आगे जो है उसको इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट्स वगैरह मिलते हैं और सक्सेस होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।